आइडल सुपर पाकिस्तान में आ गया है बिल्कुल ब्रांड न्यू आइडेंटिटी के साथ। S24 लॉन्च किया गया है 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। फोन की अनबॉक्सिंग देखिए इस वीडियो में। वेलकम टू अनदर टेक्नोलॉजी वीडियो, दिस इज योर होस्ट हिरा नवीद। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए बिल्कुल एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन, एक ब्रांड न्यू आइडेंटिटी के साथ। आईटेल ने रिसेंटली पाकिस्तान में अपनी न्यू ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की है S24 स्मार्टफोन के साथ। तो आइए देखते हैं कि आईटेल का ये नया लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन कैसा है, अनबॉक्सिंग में चेक करते हैं, साथ ही आपको भी इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। सो हमारे साथ रहिए। जल्दी से फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी प्लास्टिक रैपिंग को रिमूव करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर हम बॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो बहुत ही एक कलरफुल रेड और ब्लैक कलर में बॉक्स हमारे पास मौजूद है, जहां पर हमें आईटेल की ब्रांडिंग मिल रही है। इसके साथ साथ हमें फोन का जो मॉडल है S24 उसकी ब्रांडिंग नजर आती है। बॉक्स को चेक करें तो यहां पर हमें फोन के जो की हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो मेंशन नजर आ रहे हैं काफी डिटेल के साथ। बैक साइड पर भी देखें हमें यहाँ पे फोन के कैमरा के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही हमें आईटेल की ब्रांडिंग मिलती है, साथ ही पीटीए का स्टीकर यहाँ पर लगाया गया है और वारंटी 12 मंथ्स की वारंटी का भी एक जो स्टिकर है वो हमें इसके बॉक्स पर नजर आता है। इसके अलावा S24 और आईटेल की ब्रांडिंग हमें मिलती है, IMEI नंबर मिलता है। तो अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है हमारा S24। इसकी प्लास्टिक रैपिंग को रिमूव करते हैं, फोन को टर्न ऑन करते हैं और जब तक हमारा फोन जो है वो रेडी हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, चेक करते हैं बॉक्स के अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं। इसके बाद हमें बॉक्स के अंदर मिलता है ये बैक कवर, इसके बाद यहाँ पर हमें ये एक वारंटी कार्ड मिलता है, इसके साथ ही हमें ये चार्जिंग अडेप्टर मिलता है और साथ ही हमें मिलती है ये टाइप सी चार्जिंग केबल और लास्ट में हमें ये सिम इजेक्टिंग टूल जो है वो मिलता है बॉक्स के अंदर। फोन टर्न ऑन हो चुका है, इसको जल्दी से स्टार्टअप करते हैं। आईटेल S24 के डिस्प्ले के बारे में बताएं तो यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का 6.6 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले मिलता है। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें पंच होल सेल्फी कैमरा मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर हमें प्यारी प्यारी सेल्फीज खींचने के लिए 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। अब बात कर लेते हैं फोन के बैक डिजाइन और कुछ इसके कलर के हवाले से, तो यहाँ पर हमें अल्ट्रा स्लिम बॉडी मिलती है बिल्कुल लाइट वेट के साथ। अगर हम इसके बैक डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें स्टारी इफेक्ट के साथ काफी ट्रेंडी किस्म की फील मिलती है और अगर आप यहाँ पर चेक करें लाइट में यहाँ पर एक हल्का सा व्हाइट ग्लेयर आ रहा है जो कि इस ब्लैक कलर के कॉन्ट्रास्ट के साथ जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। फोन को बड़ी एक ट्रेंडी किस्म की लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। नीचे की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें आईटेल की ब्रांडिंग मिल रही है, जिसका मतलब है कि ये फोन को जो है वो डिजाइन किया गया है आईटेल सुपर की तरफ से। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें कैमरा मॉड्यूल मिलता है और काफी अच्छा खासा बड़ा राउंड मॉड्यूल जो है कैमरा का वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। बात करते हैं कैमरा लेंसेज और उनकी रेजोल्यूशन की, तो फोन का जो प्राइमरी की फीचर या इसका जो हाईलाइट फीचर है ना वो है इसका बैक कैमरा। इसका बैक प्राइमरी कैमरा जो है वो हमें तकरीबन 108 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अच्छी रेजोल्यूशन का मतलब है कि अच्छी और अच्छी क्वालिटी की HD फोटोज। इसके अलावा ये एक AI कैमरा हमें साथ मिलता है और ये जो रेयर कैमरा सेटअप है ये हमें डुअल फ्लैश लाइट के साथ मिलता है। नया फोन लेना हो और कलर अच्छा ना हो, कलर अट्रैक्ट ना करे तो मजा नहीं आता। तो इस फोन के मार्केट में 3 बहुत ही अमेजिंग किस्म के कलर्स अवेलेबल हैं। मेरे पास इस वक्त जो फोन मौजूद है ये है स्टारी ब्लैक कलर में, उसकी बैक साइड आप देख सकते हैं कितना मजे का एक स्टारी किस्म का इफेक्ट क्रिएट कर रही है। इसके अलावा डॉन व्हाइट और कॉस्टलाइन ब्लू कलर में भी ये फोन हमें मार्केट में मिलता है। तो जल्दी से जाइए और अमेजिंग कलर्स में अपनी पसंद के कलर्स में फोन को बाय कीजिए। फोन की बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमें 18 वॉट की क्विक चार्जिंग फैसिलिटी भी मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हमें 128 GB की रोम मिलती है, इसके अलावा यहाँ पर हमें 8 GB की रैम मिलती है। परेशान नहीं होना कि भाई डब्बे पे तो 16 GB लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 8 GB की रैम है और साथ साथ ही 8 GB की एक्सटेंडेड रैम की फैसिलिटी है। ये तो थी सुपर आईटेल S24 की अनबॉक्सिंग वीडियो। फोन के स्पेसिफिकेशंस और इसके बाकी फीचर्स को डिटेल के साथ हम इसकी रिव्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके कैमरा को भी टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसमें अच्छी प्यारी पिक्चर्स और वीडियोस आती भी हैं कि नहीं। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।